हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है रूरल फायर के ऊपर, कि रूरल फायर क्या होता है और रूरल फायर सर्विसेज क्या प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो रूरल फायर के बारे में अगर बात करूँ तो आपने देखा होगा जो फॉरेस्ट फायर रहती है, जो गाँव में लगने वाली आग रहती है, जो खेतों में लगने वाली आग रहती है, उन्हें रूरल फायर बोला जाता है, जो ओपन एरिया में लग रही है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या आपको स्पेशल चीज़ मिलती है जो कि इसी के लिए तैयार की जाती है, उस टीम को बोला जाता है रूरल फायर सर्विस। ठीक है, RFS जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो RFS जो रहता है ये क्या काम करती है, क्योंकि ये आग जो रहती है, रूरल फायर जो रहती है, इस पर कंट्रोल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो इस पर कंट्रोल हम कैसे पाएँ, इसके लिए ये टीम जो तैयार रहती है वो इस पर कंट्रोल करती है। ठीक है, इसमें कम से कम 32,000 जो हैं वॉलंटियर्स कम से कम लगते हैं इस आग को बुझाने के लिए, अगर ये किसी बड़े जंगल में फैल गई है तो। क्योंकि इस आग में इतनी ताकत रहती है कि ये अपने साथ साथ जहाँ लग रही है उसके साथ जो आसपास की जो सिटीज़ हैं, जो गांव हैं, जो गांव हैं और छोटे जो कस्बे रहते हैं, जो छोटे छोटे जगहें रहती हैं, उनको भी लेके उनको भी आग के लपटों में ये ले लेगी, है ना। तो इस तरीके की फायर को हम बोलते हैं रूरल फायर, क्योंकि इस पर कंट्रोल जो पाना है वो बहुत ही मुश्किल रहता है। तो इसीलिए हम इसके लिए एक टीम भी तैयार करते हैं जो कि पर्टिकुलर इस टाइप की फायर्स पे वर्क करती है। ठीक है, अब इस टाइप की फायर्स पे वर्क करती है तो उसको ये सारी चीज़ें पता होता है कि किस तरीके की आग लगी है, हमको कैसे कंट्रोल करनी है, तब भी ये आग जो है ईजीली कंट्रोल में नहीं आती है, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है, आप यहाँ से बुझाएंगे वो वहाँ लगना शुरू हो जाएगी, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अब इस तरीके की आग कैसे लग जाती है, अब आपने देखा है जैसे कि ग्लेशियर्स जो हैं वो भी पिघल रहे हैं। ठीक है, इतनी गर्मी होती है, इतनी तेज़ धूप पड़ती है। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें एक साथ रिएक्ट करती हैं तो आग लगने के कारण और ज़्यादा बन जाते हैं। जैसे खुले मैदान में जो सूखी घास लगी हुई है उसमें आग बनना, उसमें आग लगना, अब वो तो खुला हुआ ओपन एरिया है और वहाँ पे ऊपर से फ्यूल भी इतना सारा, मतलब फ्यूल किसे बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे जो घास रहती है, पेड़ पौधे रहते हैं उनको, तो आग जो है कैसे ना फैले, वो जल्द से जल्द फैलेगी इस कंडीशन में, तो और ज़्यादा जल्दी फैलेगी। ठीक है, तो हमें वही उसी चीज़ पे कंट्रोल करना होता है कि अगर हमने उस चीज़ पे कंट्रोल कर लिया ना, आग को फैलने से रोक लिया ना, तो फिर हम सब कुछ कर सकते हैं उस जगह पे। पर अगर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उस फायर पे तो वो और ज़्यादा बढ़ती हुई चली जाती है। कभी कभी तो ना इतने टाइम तक आग जलती रहती है कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। इसके लिए हम एरल फायर फाइटिंग भी करते हैं। एरल फायर फाइटिंग होता है जो अपने एरोप्लेन्स रहते हैं उनके टैंक, उनमें जो टैंकर रहते हैं उनके टैंकर से आग को बुझवाना, एरल फायर फाइटिंग उसे बोला जाता है। ठीक है, उनको भी हम यूज़ करते हैं इसके लिए। देखिए, रूरल फायर रिस्क क्या होती है, इस तरीके से ये रिस्क होती है, इस तरीके से आग लग जाती है, इस तरीके से शुरुआत होती है आग लगने की। उसे मॉइस्चर मिल रहा है, हिल्स है, विंड है, वेदर है, ठीक है, टेम्परेचर भी है, फ्यूल लोड्स भी हैं। ठीक है, इस तरीके से आग लगना शुरू होती है इन एरिया में। देखने वाला कोई नहीं है, कोई दूर दूर तक नहीं देख रहा है कि कहाँ आग फैल रही है। अगर किसी शहर में लगती है, किसी भी जगह लगती है, तो जहाँ प्यूपल हैं, जहाँ प्यूपल उसे देख रहे हैं, तो इतना स्प्रेड नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि तुरंत ही जो पब्लिक है वो सभी कॉल करके फायर ब्रिगेड्स को, फायर टेंडर को बुला ही लेगी। पर इस तरीके की जगह पे आप कैसे किसको पता चलेगा कि यहाँ आग लगना शुरू हुई है। इस तरीके से आग जो है फैलना शुरू हो जाती है और वो भयानक आग का रूप ले लेती है। जो रूरल फायर सर्विस रहती है वो इस पर पूरी तरीके से कंट्रोल पाने की कोशिश करती है, पूरी तरीके से वो चाहती, मतलब पूरा कोशिश जो उनको तैयारी की जाती है जो भी रूरल फायर के लिए, तो ऑलमोस्ट वो कर भी लेते हैं उसको कंट्रोल। पर कभी कभी किसी तरीके के एरियाज़ में नहीं हो पाता है उनका कंट्रोल फायर पे। तो ये जो है, इस तरीके की फायर जो है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रहती हैं। ठीक है, तो कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर ज़्यादातर क्या रहते हैं, कुछ कुछ तो नेचुरल कॉजेज रहते हैं और एक होता है मैन मेड कॉजेज। नेचुरल कॉजेज में क्या हो गया, ज़्यादातर आग जो है नेचुरल कॉजेज में किस कारण लगती है, लाइटनिंग, सनलाइट, अगर बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है और ट्रीज़ ने आग पकड़ ली है इस तरीके से, या सूखी घास ने आग पकड़ ली है। और मैनमेड जो रहते हैं वो कि जो कि क्या होते हैं, सिगरेट और बीड़ी किसी ने भी पी के फेंक दिया उसमें,
इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट हुआ, सोर्स ऑफ इग्निशन मिला उसको, ठीक है, इनफ्लेमेबल कोई मटेरियल वहाँ पे पड़ा हुआ है, इस तरीके से इन जगहों पे आग लगना शुरू होती है फॉरेस्ट और रूरल फायर्स के लिए, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको रूरल फायर के बारे में बताया कि रूरल फायर क्या होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस फायर इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी स्प्रेड होती है और इसको बुझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी होता है, इस पर काबू पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस तरीके से अगर हम अपनी जो टीम है, जो फायर सर्विसेज रहती है, रूरल फायर सर्विसेज, उनको बुलाएं, उनसे टैकल करवाएं, तो हम बहुत हद तक उस पर काबू पा सकते हैं। पर अगर एक बार वो ज़्यादा स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है इस सिचुएशन में। तो हम एरर फायर फाइटिंग का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको रूरल फायर फाइटिंग के बारे में बताया। सो थैंक यू।